संध्या अपने चाचा चाची के पास बचपन से रह रही थी, मगर उसके चाचा चाची उसे हमेशा ठोकरों में ही रखते थे। संध्या रूप रंग में अच्छी थी, मगर उसके भाग्य फूटे हुए थे। ए जी, देखना एक दिन ये निगल जाएगी हमारे घर को। तभी संध्या की चचेरी बहन प्रिया आती है। माँ, आज मेरी परीक्षा है। प्रिया के जाने से पहले संध्या उसे दही चीनी खिलाती है और प्रिया चली जाती है। हे राम, इस पनौती ने तो मेरी बेटी की टोक लगा दी, कहीं अब वो फेल ना हो जाए। कुछ देर बाद प्रिया रोती हुई घर आती है। माँ, मैं समय पर कॉलेज पहुँच ही नहीं पाई और मेरी परीक्षा छूट गई। मैंने कहा था ना, ये पनौती हमारे घर का ग्रहण है। संध्या रोज रोज ऐसी बातें सुनकर थक चुकी थी। चाची सही कहती है, मैं ही पनौती हूँ, भगवान मुझे उठाता क्यों नहीं है। रोते हुए संध्या के कमरे में एक दुल्हन की तस्वीर लगी रहती थी, जिसे वो हमेशा निहारती थी। मैं जब भी दुल्हन बनूंगी तो इतनी सुंदर लगूंगी, ऐसा ही लहंगा पहनूंगी। अरे प्रिया की माँ, आज प्रिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, बहुत ही पैसे वाले लोग हैं वो, अपनी बेटी राज करेगी, राज। प्रिया की माँ उसे तैयार करके ले आती है और संध्या तो बस नौकरानी की तरह मेहमान का चाय नाश्ता करा रही थी। तभी लड़के की नजर संध्या पर पड़ती है। माँ बाबा, मुझे लड़की पसंद है। भाई वाह, ये तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात है। प्रिया बिटिया, जाकर राज के बगल में बैठ जा। एक मिनट, पर मुझे तो संध्या पसंद आई है। ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। अरे राज बेटा, संध्या तो नौकरानी है। हाँ, पर इसके रूप के आगे प्रिया तो कुछ भी नहीं है। माँ, मुझे संध्या ही चाहिए। चाची संध्या को अंदर भेज देती है और लड़के वाले भी चले जाते हैं। सुनो जी, आज इस पनौती की वजह से हमारी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। जब तक ये कुआरी है, हमारी बिटिया भी कुआरी रह जाएगी। अचानक उसका चाचा बाहर चला जाता है और किसी गरीब भिखारी जैसे लड़के को ढूंढ कर घर लाता है। संध्या की चाची भी अपनी एक पुरानी लाल साड़ी निकाल कर संध्या के आगे फेंक देती है। ले लड़की, ये साड़ी लपेट ले और मंदिर चल, आज तो मैं तेरी शादी करवा कर ही रहूंगी। संध्या उदास होकर तैयार तो होती है, मगर घर के पास वाले खंडर में बैठकर रोती है। तभी एक परछाई संध्या के पास आकर एक बक्सा रख देती है और जब संध्या उसे देखती है तो उसमें एक चमचमाता हुआ लहंगा रखा होता है। तभी एक आवाज आती है। बेटा, ये लहंगा तेरी जिंदगी भी ऐसे ही चमका देगा। और संध्या वो पुरानी साड़ी हटाकर वो चमकता लहंगा पहन लेती है और मंदिर में जाती है। संध्या का रूप और लहंगा देख सब चिढ़ जाते हैं और उसकी चाची संध्या की शादी उस गरीब से कराकर उसे विदा कर देती है। जान छूटी उस पनौती से, अब चैन से मेरी बेटी की शादी कराऊंगी। संध्या और उसका पति एक झोपड़ी के अंदर जाने लगते हैं। चाची ने अच्छा ही किया कि एक गरीब से मेरी शादी कराई, वरना मेरे जैसी पनौती किसी को भी बर्बाद कर सकती है। और संध्या अपने लहंगे को उठाकर जैसे ही घर में पांव रखती है, एक तेज रोशनी आती है जिससे संध्या और उसका लहंगा गजब सुंदर लग रहा था। तभी संध्या जैसे जैसे चलती है, उसके लहंगे में से सोने की अशर्फियां गिरने लगती हैं और उसका पति और सास उसे चुगने लगते हैं। वाह बेटा, बहू के पैर तो बड़े ही शुभ है, इस गरीब के घर में तो आज धन की वर्षा हो रही है। संध्या भी पहली बार शुभ जैसी बातें सुनकर खुश होती है। उधर प्रिया की माँ ने संध्या के जाते ही राज और प्रिया की शादी धूमधाम से करा दी, मगर असली पनौती के बारे में तो कोई नहीं जानता था। वक्त बीतने लगा। उधर राज को व्यापार में इतना घाटा हुआ कि राज और उसका परिवार एकदम गरीब हो गया। दूसरी ओर संध्या के शुभ कदम और जादुई लहंगे ने उसकी झोपड़ी वाली जिंदगी को महल में बदल दिया था। एक दिन प्रिया और उसके चाचा चाची संध्या से मिलने उस झोपड़ी वाली जगह पहुँचे, मगर अब वहाँ आलीशान महल था। संध्या उनको बैठाती है। बिटिया, ये सब कैसे हुआ? संध्या कुछ बोलती उससे पहले ही लहंगे से रोशनी निकलती है। तुम सब पागल हो, शुभ भाग्य तुम्हारे घर में था और तुम उसको पनौती कहते रहे।
और आज तुम्हारे घर का भाग्य इस महल की किस्मत बन गया। ये तुम क्या कह रहे हो जादुई लहंगे? मैं कोई जादुई लहंगा नहीं हूँ, मैं बस किस्मत वाले इंसान का भाग्य जगाता हूँ। प्रिया, उस दिन अगर तुम्हारी परीक्षा नहीं छूटती तो उस दिन तुम एक्सीडेंट से मर जाती, मगर संध्या के भाग्य के स्पर्श ने तुम्हें बचा लिया। और बुढ़िया, तेरा तो घर संध्या की वजह से ही आबाद था। ये सुनते ही संध्या और चाचा चाची और प्रिया संध्या के कदमों में गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं। एक चीज ध्यान रखना संध्या, जादू मुझ में नहीं, तुम्हारे भाग्य और कर्म में है। संध्या और बाकी सब उस दिन से खुद को पनौती मानना छोड़ देते हैं